16 जनवरी सन 2022 समीर ने बॉल कराई है अदील को और बोल्ड होते थे बच गए। फ्रेंड्स लेवल वर्सेस डायमंड लेवल एज यूजुअल। अमसल अजीज ऑन कीपिंग, अदील अमर सी और एक न्यू डेब्यूटान है आफाक। अरे हमारी गार्डन से उनका ताल्लुक क्या, वो गार्डन शिफ्ट हो गए बता रहे थे। ओपन बजाय उनको समीर गेंद कराएंगे अदील को और ये रन आउट होने का चांस है और रन आउट हो गए क्योंकि खिलाड़ी गिर चुके थे। एक अजीब और गरीब रन आउट आज यहाँ देखने को मिला है। और ये सागर ने जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, बोले आउट दिया, आउट किया उसके बाद जो है वो वापस कर दिया आउट। तो ऐसा भी हो गाइस, एक ओवर जीरो मेडन ओवर और आफाक का पंच कवर की जानिब, दो के लिए भागेंगे। आफाक ने कॉल दी है और ये समीर का बहुत ही वाइड थ्रो और ये आफाक का शॉट था पीछे की जानिब गया। नाजरीन एक रन लेंगे यकीनन। आफाक ने ट्राई किया, ये इस दफा भागे हैं कप्तान की जो है वो बातें सुनने के बाद बोल्ड करके रख दिया। शरी ने अदील को बोल्ड कर दिया, इंतहाई उम्दा बोल्ड। ये जो बहुत ही अच्छा कट है जुजर शहजाद भाई का, दो रन के लिए भागेंगे यकीनन। और ये आफाक ने कवर की जानिब खेला, दानिश माउट जी आए लेकिन गेट छोड़ चुके हैं। अच्छी ट्राई की थी डाइव मार के लेकिन गेंद कराएंगे। आफाक को बोल्ड करके रख दिया और ये बोल्ड आ गया वीडियो के अंदर, इससे पहले बॉल रिकॉर्ड नहीं हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये रिकॉर्ड करने में कामयाब हुए। जेब सुल्तान फेस करेंगे एहसन को, पहला गेंद, अच्छा गेंद, नो बॉल होनी चाहिए ये यकीनन। लेग अंपायर का इशारा देखना होगा, लेग अंपायर ने कुछ दिया नहीं है। एहसन गेंद कराएंगे जेब सुल्तान को, एक और गेंद, एक और उठता वो शॉट, एक और छह यकीनन। ये है हमारा हुंजा बावर जिसे कहते हैं बटका बावर। पांच गेंदे, फुल टॉस, फुल टॉस, पॉइंट की जानिब खेला है। मुबीन दौड़े गेंद की तरफ, एक रन लेने में यकीनन कामयाब होंगे। और ओवर के इख्तिताम पर पूछते हैं स्कोर क्या हुआ। तीन ओवर के इख्तिताम पर नाजरीन स्कोर हुआ 27। गेंद कराएंगे मुबीन इनफॉर्म बैट्समैन जुएब सुल्तान को और ये बहुत ही प्यारा शॉट है लेकिन ये चार रन। अमीन ने शायद बॉल को प्रॉपर फील्ड नहीं किया और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। चार ओवर के इख्तिताम पर स्कोर हुआ 33। समीर गेंद कराएंगे शहजाद लालानी को, अच्छा गेंद, उड़ता हुआ शॉट और ये यकीनन छह होगा। खिलाड़ी के ऊपर से गई है और शहजाद भाई के ये इस किस्म के पंच हमें समझ में नहीं आते कभी भी और जाते सीधा बाउंड्री के पार है। बहुत ही प्यारा पंच। समीर गेंद कराएंगे शहजाद को और ये पॉइंट की जानिब खेला है, ऐसा से मिसफील्ड हुई है। यकीनन दो रन होंगे, दो रन लेने के लिए भागे हैं और ये समीर ने साइड चेंज की है और राउंड द विकेट आ रहे इस वक्त। एक और ये कैच हो गए, बहुत अच्छा कैच, कैमरा थोड़ा सा पीछे था तो कैच नहीं कर सके। और ये जुएब सुल्तान का बहुत ही उम्दा छक्का, उम्दा छक्का जुएब सुल्तान का अमसल को, एक और उड़ता हुआ शॉट, एक और छक्का, लगातार दो छक्के दो गेंदों पे। हमारे साथ फरमान ने भी ज्वाइन किया है आज। फुल टॉस, बहुत ही उम्दा गैप में खेला है चार रन के लिए। खूबसूरत शॉट कामरान की जानिब से और कामरान की जानिब से इन्हीं शॉट्स की तवक्को है क्योंकि स्कोर बड़ा ही कम है, 6 और 55 है, कम से कम 90 रन हमें चाहिए होंगे क्योंकि D11 की बैटिंग लाइन बड़ी ही मजबूत है। शॉट बॉल थी, भागे, रन आउट हो गए, रन आउट हो गए कामरान, बहुत ही लेट कॉल थी और नाराज हो रहे कामरान जुएब के ऊपर। कैच हो सकते हैं और एहसन ने बड़ा ही
एहसन तरीके से यह कैच किया। गाइस 7 ओवर की इतना बड़ा स्कोर हुआ है 64। आरिश गेंद करेंगे आरिफ भवानी को, और ये आरिफ भवानी ऑन साइड में खेला है, दो रन के लिए भागेंगे, लेकिन सागर के हाथ में गेंद आई है, दो रन लेने के कामयाब हो गए, लेकिन रन आउट करवा दिया आरिफ भवानी ने, दो रन नहीं थे वो। और आज दोनों भाई रन आउट हो गए, कामरान और कामेश, अनलकी। और ये कैच हो गए आरिफ भवानी भी बॉल फेस करेंगे इरफान सर, ये अच्छा शॉट लेग पे खेल दिया, लेकिन सिर्फ एक रन बनेगा इसमें। चौथी बॉल वापस करवाएंगे फरमान को, बॉल आया, बॉल खेला फील्डर बॉल के नीचे, अच्छी फील्ड, एक रन पे रोके रखेंगे। एहसन ने अच्छा बैकअप किया बॉल को, इरफान भाई फेस करेंगे, इनिंग की पांचवी बॉल फुल टॉस थी, बॉडी पे लगी और मिस हो गया, वरना ये रन आउट का चांस था, ये हो सकता था अगर लगता तो। इनिंग की एफ 11 की टीम की इनिंग की लास्ट बॉल फेस करेंगे फरमान, एस लगा थर्ड मैन पे बॉल का, ये साहिल थर्ड मैन पे फील्ड के नीचे है, लेकिन डायरेक्ट थ्रो और एक रन दूसरे रन पे रन आउट कर दिया फरमान को। एफ 11 ने टी 11 को 70 का टारगेट दिया है 8 ओवर में, जो कि थोड़ा सा कम है अगर देखा जाए तो। डी 11 की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बैटिंग लाइनअप से, इनके पास अमीन है, इनके पास बहुत सारे असद बैट्समैन हैं, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं, अमसल है, सागर है, तो अब देखते हैं कि एक सनसनीखेज मुकाबला होगा।